गोवर्धन के गिरिराज परिक्रमा मार्ग के समीप एक आश्रम पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा महंत से चौथ वसूली मांगने का मामला भी प्रकाश में आया है। गोवर्धन पुलिस ने आश्रम स्वामी महंत की तहरीर पर चौथ वसूली, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा मार्ग स्थित रघुलीला आश्रम के निकट नारायण दास रोटी वाले बाबा का किशोरी धाम आश्रम है। नारायण दास का आरोप है कि आश्रम पर सुमेर सिंह नामक व्यक्ति विगत 3 माह से लगातार परेशान करता चला आ रहा है। नारायण दास ने बताया कि कई बार डायल 112 पर सूचना देने के बाद थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार की रात्रि को सुमेर सिंह शराब के नशे में तमंचा लेकर आश्रम पहुंचा। आरोप है कि सुमेर सिंह ने गाली कलौज करते हफ्तेदारी मांगी, विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देकर चला गया। बाबा नारायण दास ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों के लोग सक्रिय हो गए। LIU टीम की नींद खुल गई। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी के किशोरी धाम आश्रम पहुंचते ही LIU टीम आश्रम पहुंच गई। उन्होंने बाबा से हालचाल पूछे। राजनीतिक दलों के पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस ने नारायण दास की तहरीर पर आरोपी सुमेर सिंह निवासी हसैला थाना अचनेरा आगरा के खिलाफ चौथ वसूली की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आश्रम पर सुरक्षा की दृष्टि से 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। नारायण दास ने बताया कि सुमेर सिंह के साथ अन्य कई लोग जुड़े हैं, आश्रम से भगाकर आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारा नाम नारायण दास है। महाराज, एक वीडियो वायरल किया है आपने, पुलिस प्रशासन आरोप लगाया, क्या मामला है पूरा? ऐसा है बेटा कि हम यहाँ गोवर्धन में पिछले 11 वर्षों से रह रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से हमारे यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। साधु संत परिक्रमा वाला भूखा प्यासा कोई भी आए, सभी को बैठाल कर भोजन कराया जाता है। तो लॉकडाउन के दरमियान एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने अपना आधार कार्ड दिखाते हुए बोला कि मेरा नाम सुमेर सिंह है, मैं हसीला गांव का रहने वाला हूं, थाना अचनेरा है, हमारे पिताजी का नाम हरिदास है और मैं आपके आश्रम पे गायों की सेवा करना चाहता हूं। मैंने उसको अपने यहाँ 3,000 रुपये महीने में रख लिया। कुछ दिनों बाद हमें पता लगा ये तो बहुत आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। वो बाहर से एक दिन परिक्रमा मार्ग से किसी का मोबाइल छीन झपट के ले आया, शराब पी करके आ गया, हमारे यहाँ साधु संतों से झगड़ा करने लगा। हमें पता लगा कि दूध भी चोरी करके पीता। इसकी शिकायत आपने कहीं पुलिस से की? जब मैंने उसको डांटा फटकारा, उसने मेरे नाक पे घूसा मार दिया, तमाम खून बहने लगा। फिर मैं थाने गया, FIR किया। FIR तो लिखी नहीं गई, एक अप्लीकेशन दे करके मैं चलाया। उसके बाद में साहब वो अपराधी दोबारा फिर आया और हमारे आश्रम से एक लड़का बाजार जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल छीन लिया, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। मैं पुनः फिर थाने में एप्लीकेशन दिया, लेकिन साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना बीत जाने के बाद वही अपराधी पुनः आता है, हाथ में तमंचा लेकर के, और गाली बकता है, गेट फांद के ऊपर चढ़ाता है, हमसे कहता हमें हर महीने 5,000 रुपये चौथ के दो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। बुलाओ तुम्हारी। क्या लड़के ने पहले भी आपके ऊपर कोई दुराचार का आरोप लगाया था? नहीं नहीं, इसके पहले कोई और कभी कोई घटना नहीं हुई, ये प्रथम घटना है। और मैं कई बार थाने गया और कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हमारा किसी ने सुना नहीं। फिर मैंने CM पोर्टल पर दरखास्त दी, 1076 नंबर होता है, उससे हमने सूचना दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे भगत जगत जो प्रदीप यादव जी हैं और जिन लोग हैं इटावा साइड के यादव समाज के, कुछ लखनऊ के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, जिनसे जो बना कुछ पत्रकार हैं, मुकदमा लिख लिया है। उनका जब प्रेशर पड़ा बेटा तो मुकदमा लिखा गया। अब पुलिस जग गई है, अब वो कार्रवाई कर रही है और हम सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी वजह से अब हमारे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो बेटा वो तो हमको मार। उत्तर प्रदेश में एक साधु सरकार और साधु ही असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को। साधु तो उसको कहते हैं जिसके अंदर साधु का गुण हो, ठीक है, सभी साधु हैं। हमारे लिए तो सिया राम में सब जग जाने सभी साधु हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, जो है ठीक है। बाप देख लीजिए, 3 महीने से मैं भटक रहा हूँ, थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा, तो क्या साधु की सरकार? एक साधु की सरकार में एक साधु को जान से मारा जा रहा है, वो सुनने वाला कोई नहीं, क्या साधु की सरकार है? हमसे कुछ मत कह लीजिए, सब दिख रहा है। फिलहाल अब प्रदीप जी की कृपा से इस मीडिया का मैं आभारी हूँ
और इन सभी भक्तों का आभारी हूँ जिनके अथक प्रयासों के बाद अब प्रशासन जग गया है। इंस्पेक्टर साहब आए थे, कल रात में मेरा मुकदमा पंजीकृत किया है और वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि महाराज जी अब मैं आपके साथ हूँ, अब मैं आपकी सुरक्षा करूँगा, तो ठीक है अब मैं सभी। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रातः दर्पण। नमस्कार।